17 जनवरी 1968 बुधवार को सातवें पेज के मध्य में बात चल रही थी। अभी तो इस दुनिया में देखो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राजाइयां, और वहां तो तुमको नई दुनिया में सारा एक ही सागर, सारी धरती एक ही, वहां झगड़ा कुछ भी नहीं, आसमान का भी झगड़ा नहीं, पानी का भी झगड़ा नहीं, तुम सारे के सारे का एकदम मालिक बनते, तो जरूर वहां फिर विश्व में शांति होगी। वो अर्थ पीस कॉन्फ्रेंस करने वालों की बुद्धि में नहीं बैठता है कि इस दुनिया में शांति कब थी। शांति तब थी जब अद्वैत देवताओं का राज्य था, अर्थात वहां कोई द्वैतवादी होते ही नहीं थे, दूसरे धर्म की बातें करें, दूसरी मत निकालें, और सबका एक मत, सबका एक धर्म। तो अद्वैत देवताओं को कहा जाता है। अब और द्वैतवाद नाम ही दिया है द्वापर युग है। दो दो पुर बन गए, दो दो राज्य बन गए, इस्लामी आए ना, तो पहले तो एक ही देवी देवता धर्म था भारत में, फिर ये आए तो दूसरा धर्म, दूसरी भाषा। तो अद्वैत लिखो और पढ़ो तो देवता धर्म आ जाएगा, और फिर तुम थोड़ा उनको समझाओ सिर्फ कि देखो स्वर्ग उसमें एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, और एक ही राजा, उसको कहते हैं डीटी डायनेस्टी, दूसरा कोई नहीं था। तो फिर देखो तो समझने की बात है, वहां तो शांति शांति होगी ना, झगड़ा तो कोई है ही नहीं, और वहां अशांति कहां से आवेगी, किस बात का झगड़ा होगा। सबके स्वभाव संस्कार मिलते जुलते होते हैं। अभी बाप समझाते हैं ना कि तुम बच्चों में भी ऐसा स्वभाव संस्कार धारण करना है, एक ने कही दूसरे ने मानी, तो उसको कहा जाता है रूहानी राज्य, उसे जिस्मानी राज्य नहीं कहेंगे। अब ये देखो अलग अलग धर्म धर्म संप्रदाय है, बौद्धियों की शिकल अलग, क्रिश्चियंस की शिकल अलग, और ये इस्लामी उनकी शिकल अलग। देखो अफ्रीकन ये बाप आकर स्पिरिचुअल किंगडम स्थापन करते हैं, तो ये स्पिरिचुअल कहेंगे यानी रूहानी नॉलेज, रूहानी नॉलेज की किंगडम स्थापन हुई है वहां नई दुनिया में।
तो रूहानी बाप ही आकर के रास्ता बता देंगे कि रूहानी दुनिया कैसे बनी। तो वो बाप ने आकर के किंगडम स्थापन की, यानी परमात्मा ने किंगडम स्थापन की। ऐसे नहीं कहेंगे परमपिता परमात्मा ने की। हाँ कहेंगे परमपिता परमात्मा, वो तो अर्थ ही अलग हो जाता है। क्या परमपिता कहेंगे जिसका कोई पिता न हो, और परमात्मा किसे कहेंगे है? वो आत्मा जो परम पार्टधारी हो, तो वो तो हीरो पार्टधारी है। तुम जिस दुनिया में रहते हो जन्म जन्मांतर, वहां की बात है। मैं तो उस दुनिया में ऑलराउंड पार्ट बजाने आता ही नहीं, न थोड़ा पार्ट न ऑलराउंड पार्ट, बस पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूं। जैसे और धर्म पिताएं 100 साल के लिए अंदर आते हैं अपना धर्म स्थापन करते, मैं भी 100 साल के अंदर है नई दुनिया का स्थापना करने के लिए तुम बच्चों को रास्ता बताता हूं। तो जो पहले पहले रास्ते को समझता है उसका नाम दे दिया है परमात्मा। दुनिया में तो कह देते हैं हर आत्मा सो परमात्मा है, भाई परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे नहीं, बाप आते हैं रूहों का बाप, तो रूहानी ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि मैं सर्व में व्यापक नहीं हूं, मैं तो एक मुकरर रथ में एक व्यापी होकर के पार्ट बजाता हूं आदि से लेकर अंत तक। उसको कहते हैं फिर परमात्मा। परम पाटधारी, हीरो पाटधारी, और तो कोई को परमात्मा नहीं कह सकते ना। तो किंगडम नई दुनिया की ऐसे स्थापन हुई जहां एक धर्म एक राज्य एक कुल एक मत। तो वो परमात्मा करते हैं, तो जरूर वहां सुख होगा और सच्चा सुख होगा। तो है ही सच्चखंड, झूठ की तो रत्ती भी नहीं। और यहां तो इसे दुनिया में देखो, झूठ ही झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। तो बताओ सुख शांति कहां से होगी? तो देखो ये बेहद का पाप है, बेहद के बाप का कितना बेहद का प्यार होगा बच्चों के साथ। देखो बच्चे कोई दुखी होते हैं, किसी की एक बाप के बच्चे हैं दुखी होते हैं, तो कोई कोई से दुख मिलता है? फिर वो बाप उन बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ये बाप भी कहते हैं कि मैं तो जानता हूं, तुम बच्चे नहीं जानते हो,
मैं जानता हूं कि तुम जब तमो प्रधान दुनिया में कलयुग की दुनिया में आते हो तो तुम कितने दुखी होते। जैसे कहते हैं तुम बच्चे नहीं जानते हो, बाप ही बच्चों को कहते हैं ना। मैं भी कहता हूं तुमने कितना जन्म लिया, वो मैं जानता हूं। गीता में भी देखो लिखा हुआ है, भगवान ने कहा अर्जुन तू अपने जन्म को नहीं जानता, मैं बताता हूं, मैं जानता हूं कि तुम इस दुनिया में कितना सुख लेते हो और कितना दुख लेते हो। अभी देखो इस दुनिया में धर्म पिताओं को भी कितना धक्का खाना पड़ता है और तुमको भी, तुमको तो फिर सबसे जास्ती धक्के खाने पड़ते हैं। कहते हैं भगवान के साथ मिलने के लिए हमको भक्ति मार्ग में धक्का खाना पड़ता है। अरे एक दिन आ ही जाएगा कि भगवान आ जाएगा, कोई न कोई रूप में आ जाएगा। फिर कोई रूप में आ जाएगा तो तुम कैसे पहचानेंगे, हम वो तो किसी को पता नहीं, समझे ना। अभी तो देखो कह देते हैं कुत्ते में भी आ जाएगा बिल्ली में भी आ जाएगा, कुत्ता है ना ये लेकर के गया 1 रुपया, ऐसे भी कभी कह देते हैं ना। और फिर देखो तो भगवान की सवारी कभी तो बैल के ऊपर कराई देते हैं, है ना। अब देखो इनके ऊपर है, इस बैल के ऊपर है, सो आजकल जो बैल होते हैं ना, तो यहां उनको वो शिव को यहां वो लगाए देते हैं, है गुम्मड़ लगाए देते हैं, ऐसा आजकल का फैशन है। बाकी तो बैल के ऊपर कोई सवारी नहीं होती है, तो देखो कितना दिहारा है एकदम है। अब उनकी बुद्धि में भरा हुआ है कि बैल क्या करता है, बैल तो बैलबाजी करेगा ना है? अब देखो ये देखने में जो कितने अच्छे अच्छे आते हैं, कि जज है मजिस्ट्रेट है ये प्राइम मिनिस्टर है फलाने हैं, अब तुम्हारी बुद्धि में क्या होगा है? ये कौन है, समझ गए है? बाप तो कहेंगे कि ये जंगली जानवर हैं, कौन आज की मिनिस्टर है ये जो जज है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, बाप बताते हैं ये सब क्या है हज्जाम है। तो देखो हम बैल को भी जानवर कहते हैं,
फिर कहते हैं सुकर अवतार, सुअर का अवतार। जानवर तो हुआ ना। तो देखो फर्स्ट क्लास जो होते हैं ना, बाबा तो कहेंगे ये तो जैसे एकदम बंदर। बंदर जब आपस में लड़ते हैं ना तो क्या करते हैं पता है? एकदम एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं। देखो झुंड के झुंड बंदर एक दूसरे से चिपट जाते हैं और गोल गोल बड़ा गोला लुढ़कता रहता है। देखा कभी? ऐसे ही इस दुनिया में झुंड के झुंड मनुष्य हैं, बंदरों की तरह लड़ाई लड़ते हैं। देखो मुसलमान जब लड़ाई लड़ते हैं तो कैसे छुरियां चलाते हैं। जब जब मुसलमानों का ऐसा धर्म का जुनून होता है तो इनका सब कुछ होता है। तो तुम्हारे लिए देखो कैसी ड्रामा के प्लान अनुसार बुद्धि में अभी बैठाते हैं। ये तुम्हारे पुराने दुश्मन हैं, आगे ये थोड़े ही दुश्मनी थी है? कब सती को त्रेता में दुश्मनी थी क्या? नहीं, आगे तो इकट्ठे रहते थे। तो देखो इनकी इनकी बड़ी पॉलिसी देखो कैसी है, किनकी दिखाते हैं ना, कहानी बनाई हुई है। तो बिल्ली आपस में लड़े तो बंदर ने क्या किया, बंदर बांट कर दिया, तराजू रखा और दो बिल्लों के बीच में जो रोटियों की लड़ाई हो रही थी उसको दोनों पलड़ों में रखा, जो पलड़ा भारी होता जाए उसी में से निकाल के खाता जाए। दूसरा पलड़ा भारी हो गया उसमें से निकाल के खा लिया, तो ऐसे ऐसे करते करते सारा खुद ही खा गया है? ऐसे ही ये पॉलिसी है इन क्रिश्चियंस की है। किसको भी कोई भी देश में देखो, इन्होंने जहां जहां राज्य किया है ना तो क्या करते हैं, दो हिस्से कर देते हैं, जुदा कर देते हैं। तो दो बनाए देते हैं भाई, किस लिए कि आपस में ये लड़ते रहें हैं, और फिर हमारा फायदा होता रहे। क्या फायदा? हम क्या करेंगे, हम ढेर सारे शस्त्र बनाएंगे, बम्ब बनाएंगे है? लड़ने के सामान बनाएंगे, वो हमसे खरीदते रहे, समझे ना? अब देखो ये कितने पक्के व्यापारी हैं और बड़े समझू व्यापारी हैं कमाई कमाने के लिए है? क्योंकि ये दो आपस में लड़ते रहेंगे तभी तो इनका बारूद खपेगा ना। कौन सा बारूद? जो बम्ब बनाते रहते हैं ना, भले उधार दे देंगे, कहां उधार देना पड़े तो चलो दे देंगे भाई, हम 20 बरस के लिए उधार दे देंगे। अरे 20 बरस का कुछ ब्याज भी तो बढ़ा देंगे ना, ऐसे थोड़े ही दे देंगे, कोई अनाड़ी है देने वाले?
तो बाप बैठ कर बच्चों को समझाते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, जबकि बाप को बुलाते 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 बाप तो आ गया ना, अभी तुम बच्चे तो जानते हो। तो सबको सिर्फ यही समझाओ कि ये नई दुनिया का वर्षा बाप देने आया है, जो अपने अपने शास्त्रों में गाते तो हैं, क्रिश्चियन से गाते हैं पैराडाइज, मुसलमान गाते हैं जन्नत, तो वो जन्नत देने के लिए, पैराडाइज देने के लिए वो हेवनली गॉडफादर सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है, और तुम बच्चे तो जानते हो ना, ये है ना बाप, गाया भी जाता है। बाप आकर क्या करते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। स्थापना किसकी, ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना है। अच्छा, वो डीटी धर्म की स्थापना नहीं करते, ब्रह्मा द्वारा नहीं करते है? नहीं, वो तो बाबा बड़ा का मिसाल देते हैं ना, क्या ये बनी एंट्री जो कहा जाता है, वो जाकर के कलकत्ते में देख सकते हो, देख के आओ। तो वो बनी एंट्री कितना बड़ा है, एकदम बहुत बड़ा है। ये जो आबू में तुम्हारा ये रकबा बना है ना, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। कई कई बेचारे बुजुर्ग होते हैं, वो फिर इतना बड़ा बनी एंट्री पैदल नहीं देख सकते, तो फिर मोटर में जाके चक्कर लगा के आते। अभी तुम समझे कि ये जो लकड़ी का पेड़ दिखाया है ना, लक्कड़ बुद्धि की यादगार है। कौन सा लक्कड़ बुद्धि है? अरे वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप कलयुग के अंत में आकर के ऐसा लक्कड़ बुद्धि बन जाता है। कैसा? हाँ, बाप तो कहते हैं लक्कड़ बुद्धि कहो, पत्थर बुद्धि कहो। फिर बाप को कितना समझाना पड़ता है, सालों साल समझाते रहते हैं कि बच्चे ये जो तुम्हारा बाप है ना, उसकी मिसाल है बरगद की पेड़ की, वट वृक्ष की, बनियंट्री की यादगार है। ये तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, और इस बीज में से इतना बड़ा झाड़ निकलता है दुनिया का कि तुम बच्चे बस अगर चक्कर लगाना चाहो तो तुम तो एरोप्लेन में घूम सकते हो, सारी दुनिया नहीं घूम सकते हा? तो देखो वो तो मोटर में चक्कर लगाते हैं बनी एंट्री का, समझते हैं इतना बड़ा है। अब ये नहीं देखते कि कुतन की कितनी कितनी उसकी डालियां लगी हुई हैं। वो बड़ा को देखा तो बहुतों ने होगा, बनियंट्री को, उस बड़ा का फिर जो बीज है ना, है वो तो है ही नहीं है।
जड़ भी ऊपर दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, खुदाई करेंगे तो जहां गहराई में नमी मिलेगी ना पानी की, वहां वो जड़ निकलेगी। ऊपर तो सारी जड़ सड़ गई है। और तो देखो सारा बनियन ट्री सर सब्ज खड़ा हुआ है। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये बेहद का ह्यूमन बनियन ट्री है, ये सारी दुनिया क्या हुई, वट वृक्ष है, कितने धर्मों की दाई ओर बाई ओर की डालियां फैली हुई है। दाई ओर की डालियां माना सीधे हाथ की तरफ, सीधा सच्चा काम करने वाली, बौद्ध धर्म है, सन्यास धर्म है, सिख धर्म है, ये पवित्रता को फॉलो करने वाले हैं ना। सिख धर्म में क्या पवित्रता फॉलो करते, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो देखो अच्छी बात हुई ना, तो उनको कहेंगे राइट यस डालिया। फिर ये विदेशी है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियंस, इन बाई ओर की डालियों को देखो है? बाया हाथ क्या करता है, गंध, गंध में हाथ डालता है कि नहीं हा? तो ये गंध करते रहते हैं। तो देखो इस दुनिया में तो अनेक प्रकार के धर्म मठ पंथ संप्रदाय सब, और ये सारा झाड़ है फाउंडेशन नहीं है, वो जड़ नहीं देखने में आती है, है? और वो जो एक तना होता है वृक्ष का, पहले पहले एक ही तना होता है ना, वो भी देखने में नहीं आता। तो बाप ये ड्रामा का राज बैठ समझाते, तो फिर मुझे वो एक एक फाउंडेशन स्थापन करने के लिए है क्या करना पड़ता है, सारे पुराने झाड़ को आग लगानी पड़ती है, पुराना झाड़ खलास हो जाता है। तो देखो ऐसे करते हैं ना, क्या ब्रह्मा द्वारा स्थापना, कौन से ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के तो अनेक मुख दिखाए हैं, कौन से मुख के द्वारा, कहेंगे परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म के द्वारा है देवी देवता सनातन धर्म स्थापन होता है, एक धर्म एक राज्य एक कुल एक भाषा एक मत। तो वो तुम्हारा धर्म स्थापन कर रहे हैं, फिर तो अंडरस्टूड है, दूसरा कोई धर्म नहीं रहेगा है? कहां, विदेशों में नहीं, और धर्म खंडों में नहीं, इस भारत में सिर्फ एक ही धर्म रहेगा।